बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काशकार भाइयों आप खैरियत से होंगे। धान की फसल के अंदर तन्ने की सुंडी बहुत ज्यादा नुकसान कर रही होती है। तन्ने की सुंडी की वजह से पौधे का जो दरमियान वाला मिडिल पोर्शन है, जिसको आप गाचा भी कहते हैं, वो बिल्कुल सूख जाता है। उसके सूखने की वजह से वो पौधा ऊपर से ग्रोथ नहीं कर सकता, नीचे से नया पौधा निकलता है, वो फिर ग्रोथ करता है, उसके अंदर सुंडी का हमला हो जाता है। इसी साइकिल के अंदर जो है वो पौधा चलता रहता है, इन क्राइसिस के अंदर रहता है, जिसकी वजह से अच्छी तरह से वो ग्रोथ नहीं कर सकता और उसके अंदर हरियाली नहीं आती। और जितनी भी आप खाद का इस्तेमाल करवाते हैं, जिंक का इस्तेमाल करवाते हैं, पानी भी लगाते हैं, लेकिन उस पर जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से जहर ऐसे हैं जिनका आप स्प्रे करवा सकते हैं या छटा करवा के आप इस तन्ने की सुंडी से निजात पा सकते हैं, इस बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज आप तक बर वक्त पहुंच सके। काश्कार भाइयों, तन्ने की सुंडी शुरू के दिनों के अंदर हमला कर रही होती है। जब आपकी फसल 20 से 22 दिनों की हो तो उस वक्त तन्ने की सुंडी का हमला जो है वो बहुत ज्यादा नजर आता है, जिसकी वजह से तना जो है वो बिल्कुल सूख जाता है, ड्राई हो जाता है और उससे जो है वो फसल का नुकसान होता है। जितनी भी आप यूरिया खाद इस्तेमाल की है, आपने फॉस्फोरस इस्तेमाल किया है, तो वो जाये होने के खतरात होते हैं। तो आपने तन्ने की सुंडी को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए काफी सारे जहर जो है वो मार्केट के अंदर दस्तियाब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिप्रोनेल की बात करें, दानेदार, वो आप जहर छटा करवा सकते हैं, मोनोमी हाइपो छटा करवा सकते हैं, उसके साथ ही क्लोरेंट्रानिलीप्रोल्स थायोमेथाक्सम ये इस्तेमाल करवा सकते हैं, अकेला क्लोरेंट्रानिलीप्रोल इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल प्लस क्लोथियानोडिन इस्तेमाल करवा सकते हैं, उसके साथ क्लोरेंट्रानिलीप्रोल प्लस एमामेक्टन कैंजो कंपनी जो है वो दे रही होती है, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी के पास है। तो आप ये छटा करवा कर तन्ने की सुंडी पर कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ काश्कार भाई जो है वो जिनके अंदर पानी की, जिन फसलों के अंदर पानी की कमी पाई जाती है, जिन खेतों के अंदर, जैसे जनूबी पंजाब के इलाकों की बात करें, पानी की जिनके अंदर कमी पाई जाती है, तो उनको चाहिए तो वो दो बार जो है वो दानेदार जहर इस्तेमाल करें। एक बार ये जब आपकी फसल 20 से 22 दिनों की हो, उसके बाद जब आपकी फसल जो है वो सिटा निकाल रही हो, मुजर निकाल रही हो, तो उस वक्त भी आपको चाहिए कि आप दानेदार जहर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जिनके अंदर खेतों के अंदर पानी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता तो उन खेतों के अंदर ज्यादा ये मसला सामने आता है। उससे होता क्या है, अगर आप आखिर में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उससे मुंजर जो है वो खाली रह जाती है, उसमें अंदर खस बन जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि तन्ने की सुंडी जो है वो तन्ने को नीचे से हमला करती है, उसके खुराक का जो प्रोसेस है, तरसील है, वो बंद कर देती है, जिससे ऊपर जो है वो खुराक नहीं पहुंचती और तना का जो जहां से मुंजर निकलती है वो बिल्कुल जो है वो खाली रह जाती है, उससे नुकसान होता है, पैदावार का नुकसान होता है। तो मिकदार की बात करें तो कुछ काश्कार भाई जो है वो 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आइडियल जो इसकी जो मिकदार है वो 8 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप छटा करवा दें। कोई भी दानेदार जहर हो, शुरू के अंदर भी छटा करवा दें, जब आपकी फसल जो है वो सिटा निकाल रही हो, मुंजर निकाल रही हो, तो उस वक्त भी आपको चाहिए कि आप छटा करवा दें। उसके साथ आप फिप्रोनेल का स्प्रे भी करवा सकते हैं, 480 ml फी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे भी करवा सकते हैं, उससे भी आपको खातर खा नतज बहुत अच्छे नतज जो है वो आपको मिलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखियेगा। अल्लाह हाफिज़।